सो आज की वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रिज्मा थ्योरी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कलर दे सकते हो। और हाँ, कलर में काफ़ी बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस रेंडर जब करते हो तो उसमें भी काफ़ी बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इसी वीडियो में सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा। सबसे पहले कलर के बारे में हम बात करेंगे। कलर देखो हम कैसे अपना करते हैं वो पहले बताते हैं। तो देखो, पहले इधर से मैं कोई भी एक क्यूब का ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ। आप कोई भी करेक्टर मॉडल वगैरह ले सकते हो। लेकिन देखो, मैंने अभी एक ये लिया है, एक ये मॉडल लिया है, प्लस अपना एक ये भी ले लेते हैं सिलेंडर, एक ये भी ले लेते हैं। अब देखो, हम जब कलर करते हैं तो कलर कैसे करते हैं, लाइक मुझे इस बॉल में कलर करना है, जो बॉल दिख रहा है इसमें कलर करना है, इस सर्कल में, तो इसको मैंने क्लिक किया है। अब साइड में ये मटेरियल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर कलर वाले पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कलर कर दिया। अब इधर जाओ तो एक मिस्टेक हर कोई करता है जो आपको नहीं करना है। जैसे कि देखो, इस बॉल पर मैंने क्लिक किया, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। देखो, नीचे भी आएंगे, ऊपर भी आएंगे। ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसका भी काम होता है, आप लोग पता है, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है। अगर मुझे यही सेम कलर इसमें भी करना है तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस करूँगा, फिर इधर करूँगा, फिर इसमें भी यही प्रोसेस करूँगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लाइक देखो, मैं इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर मैं अब कलर देखूँ, कलर यही है, हाँ ठीक है ये कलर है। लाइक अब मैंने कोई डिफरेंट कलर कर दिया, लाइक जैसे कि मैं थोड़ा ये वाली कलर कर दिया हूँ। अब ये कलर तो मुझे कलर बॉक्स के अंदर मिलने नहीं वाला है। देखो, आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रहा है, ये कलर के अंदर, इसके अंदर कहीं पर भी जो आपने ये कलर किया हुआ है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। ये वाला कलर दिख रहा है, ये वाला कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप ये सेम कलर कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे इस वाले मॉडल पर यही सेम कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अपने इस कोन पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बॉल वाला आ जाता है। अब बॉल वाले पे मैं प्रेस करूँगा तो नीचे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे देखो आपको ये कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है। अब मैं सेम कलर इसमें कर देता हूँ, देखो सेम हो गया। अब वैसे ही मैं ट्रायंगल में भी ले लेता हूँ, सेम करते हो। अगर अब मैं कलर किसी एक में भी चेंज करूँगा ना, सब में कलर चेंज हो जाएगा। देखो, तीनों के अलग अलग हैं, इस पर क्लिक किया, अब कलर पर जाके मैंने कलर चेंज करना है। लाइक देखो, तीनों के एक साथ कलर चेंज हो रहे हैं। लाइक मुझे चारों का अगर ऐसे ही करना है तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें भी कलरिंग दे दूँगा। लाइक देखो, अभी चारों के जो है सेम कलर हो चुका है। यही प्रॉब्लम मतलब काफ़ी लोगों को देखने को मिल रहा था कि वो कलर भी करते थे तो सब पे एक साथ आया था, अब मुझे इनको अलग अलग करना है, सो वो कैसे होगा। अब देखो, आपको उसके लिए क्या करना होगा, ये जो आपको बॉल दिख रहा है ना सर्कल, इस पर क्लिक करना है, फिर ये जो प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस प्लस वाले पर क्लिक करना है। तो अब देखो, ये वाइट वाला जो आ गया, ये आपके एक वाइट वाले पे क्लिक कर देना, इसका अलग हो गया। अब इसके आप अलग कलर कर सकते हो, लाइक मैं इसके कलर दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ। अब सेम मैं इस क्यूब में भी करने वाला हूँ, प्लस वाले पे क्लिक करूँगा, एक वाइट वाला सिलेक्ट करके इसमें कलर दे दूँगा। अब ये हो क्या रहा है, ये अलग कैसे हो रहा है, क्योंकि हम एक अलग इसमें फॉर्मेट ऐड कर दे रहे हैं, हम एक अलग कलर बॉक्स ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कलरिंग है वो अलग हो रही है। मैं वाइट वाले पर जाके अब सिंपल सा मैं इधर येलो दे देता हूँ। देखो, सबके कलर डिफरेंट हो चुके हैं। अब जो रेंडर की बात कर लेते हैं, रेंडर में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक्चुअली वो क्या चीज़ है, तो आप जब भी रेंडर वगैरह करने जाते हो तो आपको पता है, इधर आप 180p करके करते हो, वेट आई विल शो यू, ये देखो 180p करके आप देखते हो, वो वाटर मार्क को रिमूव कर देते हो, करते हो ना रिमूव, कर दिया करो, उससे बेटर रहता है। ठीक है, और नीचे आपको की फ्रेम प्लस नाइट वगैरह कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जिन्होंने आज तक स्लाइड नहीं किया होगा तो उनको ये आज पता लग गया कि नाइट डे का ऑप्शन होता है, लाइटिंग में काम आता है बेसिकली, और किसी में नहीं। और हाँ, हम बात करते हैं रेंडर में जब प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसमें क्या कर सकते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ, देखो जैसे कि मैं इसे पहले सेव करता हूँ, फिर रेंडर की उधर ही बात करेंगे हम। इधर मैं सेव कर चुका हूँ, अब मैं होम पे चलता हूँ। ठीक है, अब इधर ना आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो, मेरा वर्जन कौन सा है, मैं इस समय बीटा 2.0.12 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जिसको ये वाला वर्जन चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं उधर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो आपको सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इधर आपने जब भी मॉडल बनाना है, मतलब कुछ भी एडिटिंग वगैरह करो, की फ्रेमिंग दे रहे हो, तो इसको लो करके किया करो। लाइटिंग के वक्त आप भले हाई कर लो, बट इसे लो करके करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो फ़ोन वगैरह हैंग करता है नहीं करेगा। हाँ, पुराने वाले वर्जन में ग्लिच हो सकता है, अगर आप काफ़ी बड़ी फाइल को इंपोर्ट करके उसमें कुछ भी बनाओगे,
सो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो ही जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई बड़ा सा मॉडल जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा अभी ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाता है आप लोगों को शो करता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। यही प्रॉब्लम आपको भी सेम देखने को मिलती होगी, बट मुझे नहीं देखने को मिलती अभी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मॉडल का साइज जो है छोटा कर दिया है और बाकी सब सेम है। आप देखो यह है ना, मॉडल इतना बड़ा है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, काफ़ी लोग क्या करेंगे पता है, इस मॉडल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे। लाइक इस क्यूब को मैं लेता हूँ, अब वो ना इतना बड़ा कर देंगे, अब इतने बड़े मॉडल हमें दिखेगा थोड़ी ना, प्रिज्म थ्रीडी इतना नहीं सपोर्ट करता भाई, आपको मिनिमम साइज रखना है। लाइक मैंने इसकी साइज़ इतनी रखी हुई है, ठीक है। अब मैं देखो मेरे में सबको सपोर्ट कर रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा, रेंडर वगैरह में लाइटिंग वगैरह सब एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब मैं लाइटिंग में चलता हूँ, जंप इन होता हूँ, एनिमेशन में जाके प्ले करता हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं देखने को मिल रहा, एकदम परफेक्ट रेंडर वगैरह भी करूँगा तो एकदम एक्यूरेट होने वाला है। और हाँ, ये वाला वर्जन आप मेरे से प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, इंस्टाग्राम पर आके ले लेना, सो आप लोगों को भी कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, कोई सवाल हो कुछ भी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, बाकी कमेंट में भी पूछ लेना, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।